नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार उदित एजुकेशन में। साथियों, बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम, पीटीआई भर्ती परीक्षा परिणाम और अन्य जितने भी भर्तियों के एग्जाम हो चुके हैं, परिणाम अभी आ नहीं रहे हैं। सीईटी का हो गया और जो 1 लाख पदों पर मुख्यमंत्री जी ने भर्ती की घोषणा की थी बजट में, उनके पदों के वर्गीकरण को लेकर आज अधीनस्थ बोर्ड का उपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में घेराव किया गया था। हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे थे। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि अपने हकों के लिए आज अभ्यर्थी घरों से बाहर निकल के पहुंचे। और किसी भी प्रदेश में ये प्रथम बार ऐसा हुआ होगा कि 1111 फीट का ज्ञापन अधीनस्थ बोर्ड को सौंपा गया है, जिसकी ताज़ा तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको स्क्रीन पे तस्वीरें, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रही है। और जो अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे थे, हमारे भी साथी सुनील जी बिश्नोई पहुँचे थे, उन्होंने हमारे साथ कुछ तस्वीरें साझा की थी जो अभी आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और बहुत से साथी पहुँचे हैं, हजारों की संख्या में पहुँचे थे और बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है आज का। इस ज्ञापन में बेरोजगारों की सभी मांगों को प्रमुखता से उपेंद्र जी यादव ने रखा और पीटीआई भर्ती के परिणाम, अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम जैसी तमाम भर्तियां हैं उन सभी के बारे में जिक्र किया गया। प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव था क्योंकि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे, तो प्रशासन का एक्टिव होना भी जायज है। इस भीड़ को देखकर बोर्ड में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो आपके काम को स्किरणता से धीरे कर रहे हैं, जो कि जिस रफ्तार से करना चाहिए उस रफ्तार से नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम करवाने के बाद कभी तो वो जो अधिकारी हैं वो विज्ञप्ति के लिए आगे पीछे होते हैं और फिर अगर विज्ञप्ति जारी कर देते हैं तो एग्जाम कंडक्ट करवाने में देरी, एग्जाम कंडक्ट हो जाता है तो परिणाम में देरी। इस ऐसी भीड़ को देखते हुए उन पर भी थोड़ा दबाव बनेगा और वो जो काम है वो तेजी से करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम के बारे में मैं बता दूँ आपको, जो बोर्ड के सचिव है संजय जी माथुर, उन्होंने कहा है कि परिणाम तैयार कर रहे हैं और जल्दी परिणाम आएगा, दुगनी गति से परिणाम को तैयार कर रहे हैं। और अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम से पूर्व में पीटीआई भर्ती का परिणाम आएगा कमेटी की रिपोर्ट आते ही। उम्मीद है इसी वीक में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आती है पीटीआई भर्ती का परिणाम आ जाएगा। पीटीआई भर्ती के परिणाम के कुछ दिनों के बाद ही आपको अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी आपके सामने होगा। सचिव जी ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने ये भी कहा है, उनकी जो वार्ता आज हुई है पत्रकारों से उसमें उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पे गए थे जिसके कारण कि कार्य में थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई थी, परंतु अभी कार्य है वो गति में है और उम्मीद है इसी महीने की 20 तारीख के बाद आपको कभी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम देखने को मिल सकता है। पीटीआई भर्ती का परिणाम जैसे ही जारी हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी अभी आने वाला है। कुछ अभ्यर्थी इसको बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ पीटीआई भर्ती के जो मुख्यता से रखा गया था, ऐसा नहीं है। पीटीआई भर्ती को मुख्यता से नहीं रखा गया था, जितनी भी भर्तियाँ थी, अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम है, सीईटी का परिणाम है, उन सभी को प्रमुखता से रखा गया है और बहुत ही बेबाक तरीके से उपेंद्र जी यादव ने बेरोजगारों की मांगों को रखा है। जैसे 1 लाख पदों का वर्गीकरण हो गया, कैलेंडर जारी है, तो अभी जो सचिव है उन्होंने कहा है कि कैलेंडर लगभग तैयार है, 1-2 दिन में जैसे ही बोर्ड अध्यक्ष आ जाते हैं और एग्जाम जितने भी आ गए हैं सीईटी बेसिस पे उनका कैलेंडर जारी कर देंगे। और नवभारत ज्योति टाइम में भी आया था अभी सुबह के, आज न्यूज में आया हुआ है कि बोर्ड के अध्यक्ष ने भी उन्होंने यह बात कही है कि जो राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन हैं उनका जो जैसे ही कोई निर्णय आता है कोर्ट का, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा और जैसे ही कोर्ट का निर्णय देती है उस हिसाब से वो अपना काम करेंगे। अब बात कर रहे हैं पद बढ़ाने के बारे में। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि परिणाम तो आ जाएगा, पद बढ़ाने से संबंधित बात नहीं किया। पद बढ़ाने से संबंधित ऐसे है, कुछ साथी बेरोजगार साथी, अभी ट्वीट देखा था मैंने कि कुछ प्लान कर रहे हैं कि 12 तारीख को शहीद स्मारक पे 9:30 बजे पदों को बढ़ाने से संबंधित धरने देने की बात कर रहे हैं। हो सकता है अगर उनको परमिशन मिल जाती है तो 12 तारीख को 9:30 बजे शहीद स्मारक पे पदों को बढ़ाने से संबंधित
अध्यापक भर्ती परीक्षा में उससे संबंधित भी धरने का आयोजन किया जाएगा। आज की जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शुभ दिन। जय हिंद। वंदे मातरम।